दुराचार की हद 2 माह तक बाप बनाता रहा मासूम को हवस का शिकार। टीचर के सामने रोई तो हुई बापू की करतूत उजागर। आरोपी बापू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रेवाड़ी में बाप बेटी के रिश्तों के शर्मसार करते हुए एक पिता ने सभी हदों को पार कर मासूम बेटी को ही महीने तक हवस का शिकार बनाया। बच्ची ने स्कूल में टीचर को आपबीती बताई तो बाप की करतूत उजागर हुई और पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर पिता को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल शहर की एक कॉलोनी में रहने वाली 11 वर्षीय बच्ची 6वीं क्लास में पढ़ती थी। पिछले कुछ दिनों से वह डरी और सहमी हुई थी, जिसके बाद टीचर ने बच्ची से पूछताछ की तो बच्ची ने पिता की करतूत की पूरी कहानी टीचर के सामने बयां कर दी। टीचर ने बच्ची की मां को सूचित किया और पुलिस में शिकायत दी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज अदालत में पेश किया गया और अदालत ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि आरोपी पिकअप ड्राइवर है और पीड़ित बच्ची की मां ने पहले पति को छोड़कर आरोपी से दूसरी शादी की थी, लेकिन जिस शख्स के साथ उसके पहले पति को छोड़कर अपने बच्चे के साथ जिंदगी बसाने की बात सोची थी, उसी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये छोटी लड़की थी 11 साल की, इसके फादर है, ठीक है, रियल फादर तो है नहीं, पहले की है ये लड़की, दूसरी इसकी घरवाली ने लव मैरिज कर रखी है, उसकी है पहले वाले के, 4 बच्चे हैं, इसकी नहीं थे। तो ये काफ़ी 2 महीने से इस लड़की को गलत हरकत कर रहा है बार बार। उसके बाद ये स्कूल में मैडम से बताया है, मैडम ने इसकी माँ को बुलाया, कलर माँ को बुला के इसको सारी हरकत बताई। कल ही वो थाने में उसके माँ लेके आई थी, कल केस दर्ज कर दिया। मैंने बयान भी करवा दिए कल ही, और कल ही मेडिकल करवा दिया, रात को इसको गिरफ्तार कर लिया। तो अभी जो आरोपी है वो जुडिशियल भेज दिया उसको। क्या करता है ये? ये प्राइवेट गाड़ी चलाता है, जैसे रेलवे की ये पिकअप वगैरह है ये। जी जी।